सो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी। वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। नीट एस्पिरेंट्स के मन में काफी ज्यादा डाउट्स इस समय आ रहे हैं। कल आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल किया गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से, जो कि एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होगा 17th ऑफ जुलाई को 2 PM से लेके 5:20 PM तक, जैसा कि NTA की एडवाइजरी के अंदर आया। अब यार नीट स्टूडेंट्स को लास्ट के टाइम पे क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी मेजर मिस्टेक्स यार जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जिससे आपके कल के एग्जाम में 40 से 50 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, अगर आज आप ये मिस्टेक्स अवॉइड करते हैं, बिलीव मी, आपके 40 से 50 मार्क्स इंप्रूव होंगे। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स पढ़ते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, सिम्बायोसिस पुणे में, MAMC न्यू दिल्ली के अंदर, उसके अलावा आपका किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, इतने सारे फ्रेंड्स मेरे यहां पे पढ़ते हैं, जिन जिन से मैंने पूछा है। एम्स भोपाल के अंदर मेरा एक दोस्त पढ़ता है कि यार लास्ट टाइम पे जैसे JEE वाले ये करते, तो तुम नीट वालों को क्या क्या करना चाहिए जिससे कि लास्ट टाइम में तुम्हारा स्कोर इंप्रूव हो सके। ठीक है, तो पॉइंट्स कुछ कॉमन से ही है, ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को भी इतना कुछ ऐसा नहीं कि आप लोगों को लास्ट में कुछ रॉकेट साइंस याद करनी है, कुछ वैसा करना है। अगर आप लोगों लास्ट के टाइम पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि कल सेंटर पे आपको जाके कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप देखेंगे कि बच्चे सेंटर पे नोट्स लेके बैठे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, आपको सेंटर पे कोई रिवीजन नहीं करना। सेंटर से पहले आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, कार में पढ़ लो, आज शाम तक पढ़ लो। मैं कहूंगा मेरे हिसाब से तो आपको कल सुबह 10-11 बजे के बाद कुछ नहीं पढ़ना है। आप मैक्सिमम कल सुबह 9-10 बजे तक जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, मैक्सिमम है, सफिशियंट है, इससे ज्यादा पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, लास्ट टाइम पे क्या करना है, फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं फिजिक्स के, नीट में जैसा कि हमको पता है सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर निकालो। यूनिट्स याद करनी है हमको क्वांटिटीज की, करंट की यूनिट ये होती है, वेलोसिटी यूनिट ये होती है। काफी सारे क्वेश्चन तो यार नीट के अंदर जो है ना अपने यूनिट एंड डायमेंशन से भी सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल सी, आपको फॉर्मूलाज दे देगा नीचे, फिर पूछेगा कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सी कौन सी है, तो आपको देख लेना है किसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है। अगर एक ही ऑप्शन हुआ जिसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है तो वही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप यूनिट एंड डायमेंशन से भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फिजिक्स के ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला रिवाइज करिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT जितना ज्यादा हो सकता है रिवाइज करिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम्ड रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए, बायोलॉजी के NCERT के डायग्राम्स जितना ज्यादा हो सकता है रिवाइज करिए, जो NCERT के अंदर की पॉइंट्स लिखे होते हैं कोने में छुप छुप के उनको रिवाइज करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे देखिए जो कि आउट ऑफ NCERT आए हुए हैं उनको रिवाइज करिए, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जैसा कि मैं आपको बताऊं फॉर्मूलाज रिवाइज करिए, और बेसिक बेसिक एप्लीकेशन उनकी रिवाइज कर लीजिए। जैसे अगर आप जो है राउल्ट स्लो पढ़ते हैं लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, तो ऐसा नहीं कि आपको राउल्ट स्लो का बहुत हाई एडवांस लेवल का क्वेश्चन करना है, नहीं, राउल्ट स्लो का बेसिक आपको क्वेश्चन कर लेना है जो कि NCERT के अंदर आता है, जो कि आपका एग्जाम्पलर लेवल का है, इससे ऊपर का आपको नहीं करना है। एग्जाम्पल भी मैंने बहुत ऊपर बोल दिया, NCERT का जो एग्जाम्पल है और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, बस उनके सॉल्यूशन देख लो एक बार कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आपने जो ईयर लॉन्ग मिस्टेक्स करी है, ठीक है, आपने कोई मॉक टेस्ट दिया हो उसमें यार आपके इस टॉपिक के सवाल गलत हुए, उस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से। जो लोग नेगेटिव बोलते हैं कि यार नीट में तो 18-18.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, 40,000 सीट है, MBBS की देखें तो 12-13,000 सीट है, तुम्हारा नंबर कहां से आएगा, ऐसे लोगों से दूर रहना है भैया, मेरा नंबर आ जाएगा, नंबर आने के बाद बात करेंगे, जब मैं MBBS डॉक्टर बन जाऊंगा या MBBS डॉक्टर बन जाऊंगी तब अपन बात करेंगे, ऐसे लोगों को सरासर दूर रखना है जो कि आपसे नेगेटिव टॉक करते हैं, भले ही वो आपका फिर भाई क्यों ना हो, भले आपकी बहनी क्यों ना हो। ठीक है, कोई भी है जो आपको नेगेटिव टॉक्स देता है, जिससे आपको नेगेटिव वाइब्स आती है, उसको हटा करके फेंको, उससे दूर रहो। ठीक है, जितना ज्यादा हो सकता है अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करो, ईयर लॉन्ग मिस्टेक्स को रिवाइज करो, कुछ नया नहीं पढ़ना है, कोई मॉक टेस्ट हमको नहीं देना है, जितना पढ़ लिया साल में, 2 साल में 3 साल में सफिशियंट है, उसको सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर होने दो। नया पढ़ोगे तो जो पुराना सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है वो ऑन इन एग्जाम आपका एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है वो क्लिक होने के बाद भी आप उसको भूल जाओगे, आपकी जुबान पे नहीं आ पाएगा, लिख नहीं पाओगे, पर क्लिक हो रहा होगा दिमाग में, ऐसा बहुत बार होता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने माइंड को बैलेंस रखने की कोशिश करिए, एंजाइटी क्रिएट मत करिए, डर लग रहा होगा आप लोगों को, डर को एज अ पॉजिटिव साइन लीजिए। ठीक है, डर उसको लगता है यार जो कि एग्जाम के लिए जिसने तैयारी करी है, तो इसको एज अ पॉजिटिव एटीट्यूड मानो कि यार मैंने तैयारी करी है ना, इसलिए मेरे को डर लग रहा है। अगर मेरे को डर नहीं लग रहा होता इसका मतलब मैंने तैयारी नहीं करी, अगर मैंने 2-3 साल पूरी शिद्दत से तैयारी करी है तभी मुझे डर लगेगा, नहीं तो मुझे डर नहीं लगेगा। अगर मुझे डर लग रहा है तो ये एक अच्छा साइन है कि मैंने पूरी शिद्दत के साथ 100% देकर तैयारी करी है। तो डर लग रहा है उसको एज अ पॉजिटिव देखो, एज अ नेगेटिव साइड उसका मत देखो, जितना ज्यादा पॉजिटिविटी
एबिलिटी से, जितना ज्यादा मोटिवेशन से, जितना ज्यादा काम होकर आप कल का एग्जाम दोगे उतना ही आपका स्कोर अच्छा होगा। अगर आप 540 पा रहे होंगे तो 580 पाओगे, 600 पा रहे होगे तो 620 पा रहे होगे, अगर आप इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखोगे तो। स्टे मोटिवेटेड, बी काम, चिल, प्रॉपर स्लीप लेनी है 6 से 8 घंटे की कम से कम। रात को 10 बजे सो जाए, सुबह आराम से पेल के 6-7 बजे उठे, 1-2 घंटे में कुछ पढ़ना है तो पढ़ लिया, नहीं तो नहीं पढ़ना, जितना हो सके रात तक ही कंप्लीट करने की कोशिश करें। फिजिक्स के अंदर फिर से बता दूं, फॉर्मूलाज रिवाइज करें, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं नीट के अंदर। उसके बाद जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम्ड रिएक्शंस रिवाइज करें, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है अपने ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस वगैरह, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज वगैरह याद रखें। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला और इनकी बेसिक एप्लीकेशंस पढ़ लें। मैं बायोलॉजी के अंदर जो है आपकी कीवर्ड्स पढ़े, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी, उनके कॉन्सेप्ट्स पढ़ लीजिए। उसके अलावा जो है ईयर लॉन्ग आपने जो मिस्टेक्स करी है मॉक टेस्ट के अंदर, उनको एनालाइज करिए, पेपर आपका अच्छा होगा। यू आर द फ्यूचर डॉक्टर्स ऑफ आर कंट्री, ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा यार, आगे बहुत सारी आपको सीरियस सिचुएशंस देखनी है डॉक्टर बनने के बाद, तो अभी इतने से डर जाओगे तो कैसे काम चलेगा। डरना नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मोटिवेटेड रह के, काम रह के, चिल रह के कल का पेपर डबल एफिशिएंसी के साथ देख के आना है और सबको मचा के आना। बस जाते जाते जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, रख हौसला, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुआं भी आएगा, थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। क्या? थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। धन्यवाद। कोई भी आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछे। मोटिवेटेड रहें और मचा के।